तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार बदलेगी संविधान। आप हमें 2/3 बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। भाजपा सांसद के बयान के बाद देश में मचा बवाल। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा की गई विकृतियों और अनावश्यक प्रावधानों को सही करने के लिए भाजपा को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है। गौरतलब है कि अनंत कुमार हेगड़े ने पहले भी संविधान संशोधन की बात कही थी। कर्नाटक से 6 बार के लोकसभा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि इसके लिए पार्टी को 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में आना होगा अगर संविधान में संशोधन करना है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्या संविधान को बदला जाना चाहिए। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदू समाज को दबाने वाले संविधान में कई प्रावधान। जनसभा को संबोधित करते हुए अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को मूल रूप से विकृत किया है, खासकर ऐसे कानून जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना है। अगर ये सब बदलना है तो हमारे पास इतना बहुमत नहीं है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में आप हमें 2/3 बहुमत देते हैं तो फिर हम उन्हें बदल देंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस की राज्यसभा में संख्या बढ़ती है तो भाजपा सरकार द्वारा किया गया कोई भी संवैधानिक संशोधन संसद में पारित नहीं होगा। राज्यसभा में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं। उन्होंने जनसभा में कहा कि अब की बार 400 पार ही क्यों, हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है लेकिन राज्यसभा में हमारे पास नहीं है, वहाँ हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। हेगड़े ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में NDA को 400 से अधिक सीटें जीतने से राज्यसभा में समान बहुमत जुटाने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि कर्नाटक में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती जबकि भाजपा को केवल 1 ही सीट मिली। CAA के लिए संशोधन की तैयारी। नागरिकता अधिनियम का उदाहरण देते हुए अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि इसे लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन कई राज्य सरकारों ने इसे मंजूरी नहीं दी, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार इसे एक संशोधन के जरिए लागू करने की योजना बना रही है, नहीं तो कानून और व्यवस्था हाथ से निकल जाएगी और राष्ट्र विरोधियों को खुली छूट मिल जाएगी।